बिजी स्केड्यूल है केशव जी आपका? नहीं, कमल खिलाने के लिए चुनाव के समय भाजपा के कार्यकर्ता के नाते मतलब हर क्षण हर पल पूरी तरह से चुनावों को जिताने के लिए लगा हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 18 घंटे से ज्यादा काम करते हैं और वही हमारे आदर्श हैं, वही हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और उन्हीं को आदर्श मान करके हम लोग भी उनके पद चिन्हों पर चलते हैं, पार्टी के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए काम करने के लिए। केशव जी, आज हम लोग अमेठी की ओर जा रहे हैं, रायबरेली में सलोन लगता है और लोकसभा क्षेत्र अमेठी है, तो वक्त ज़्यादा ना जाया करते हुए, क्योंकि आपको भी वक्त पे पहुंचना है, जहाज़ में चलते हैं और वहाँ जो ट्रेवल का टाइम है उसको उपयोग करते हुए आपसे गुफ्तगू करेंगे। So viewers, we are on board with Keshav Maurya and we are going to Amethi. He is going to campaign for Salon in Salon area of Amethi. It falls in Raebareli district, but it comes under Amethi Lok Sabha constituency. Keshav ji, बहुत डिमांड आ रही है, एक आपको एक ऐसे विश्वसनीय चेहरे के रूप में जाना जाता है उत्तर प्रदेश के, जगह जगह से डिमांड है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपके दफ्तर से जब समय मांगा तो उन्होंने कहा कि जो भी करना है चलते चलते इंटरव्यू कर लेना, क्योंकि लगातार सभाएं लगी हुई हैं। तो ये क्या, ये जो एक ओबीसी फैक्टर है, जो एक ओबीसी वोट को इंटैक्ट करना चाहती है पार्टी, अपने साथ रखना चाहती है, केशव मौर्य उसी जैसे दिशा में मेहनत कर रहे हैं? देखिए, मेहनत तो हम सब लोग इस देश को 5 साल में 100 साल आगे ले जाने के लिए अगर सोच रहे हैं तो वह माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संभव है। ठीक है, इसलिए 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने रखा है, उस लक्ष्य की सफलता के लिए तीसरी बार मोदी सरकार बनना जरूरी है, बड़े बहुमत से बनना जरूरी है, क्योंकि बड़े बड़े कड़े कड़े फैसले 4 जून को 4 बजे 400 पार करने के बाद लेने की योजनाएं हैं। तो उस दिशा में मैं एक भाजपा का कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता के नाते मेरी जहां पर भी पार्टी जरूरत समझती है वहां जाता हूं, जोर शोर से प्रचार प्रसार करता हूं। भाजपा कैसे भी जीते 80 की 80 लोकसभा सीटें, इसके लिए मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ता हूँ, प्रयास करता हूँ कि जितना मैं कर सकता हूँ उससे ज्यादा करूँ। बात अमेठी रायबरेली की कर लेते हैं। रायबरेली में राहुल गांधी बनाम दिनेश प्रताप सिंह की लड़ाई है, बीजेपी से दिनेश प्रताप सिंह है। अमेठी में उन्होंने स्मृति ईरानी के खिलाफ अपनी फैमिली के करीबी जो कि उनके मैनेजर थे केएल शर्मा, उनको उतारा है। क्या देखते हैं दोनों सीटों की लड़ाई को, कैसे देखते हैं और क्या है? लग रहा है कि मामला टफ है या एक तरफा बीजेपी की लहर है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 2014 में लहर थी, ठीक है, 2019 में आंधी थी, 2024 में सुनामी है। अच्छा। अमेठी और रायबरेली को ये श्री राहुल गांधी जी और श्रीमती प्रियंका गांधी जी अपनी जागीर समझती थी, अपनी जमींदारी समझती थी। ठीक है। एक भ्रम तो 2019 में अमेठी से टूट गया है, दूसरा भ्रम जो अभी रायबरेली को लेकर के बना है वो 2024 में टूट जाएगा। हमें पूरा विश्वास है कि श्री राहुल गांधी जी को उत्तर प्रदेश में स्थान नहीं मिलेगा। इन्होंने कहा था उत्तर प्रदेश के युवा नशेड़ी हैं और उन्हीं युवाओं ने श्री राहुल गांधी जी का नशा 2019 में अमेठी लोकसभा में उतार दिया था। ठीक है। अब 2024 में रायबरेली में उतार देंगे, क्योंकि देश का युवा हो, देश का किसान हो, देश की माताएं बहनें हो, देश के मजदूर हों, देश के किसी भी वर्ग के लोग हों, वह सब के सब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास देख रहे हैं, गरीब का कल्याण देख रहे हैं, महिलाओं का सशक्तिकरण देख रहे हैं और देश का उज्जवल भविष्य देख रहे हैं। लो वोटर टर्नआउट एक बहुत बड़ा मुद्दा है केशव जी, पहले दो फेजेस में जो वोटर टर्नआउट उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो कम रहा है, 3-4% तक कम रहा है कई सीटों पे। तो ये क्या बीजेपी के लिए चिंता का विषय है या विपक्षी पार्टियों के लिए चिंता का विषय है? आपको चिंता नहीं, ये चिंता करना पड़ेगा कांग्रेस और उनके साथी दलों को। अच्छा। क्योंकि उनके कांग्रेस सहित उनके साथी दल और उनका समर्थक निराश है, वो सोचता है वोट डालने से कोई फायदा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के और उन भाजपा गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं बहुत बड़े बड़े अंतर से जीत रहे हैं। ठीक है। हम वोट दे भी देंगे तो कांग्रेस और इंडी गठबंधन जीतने वाला नहीं है, तो वो निराशा में डूबे हुए हैं, इसलिए उन विपक्ष का वोटर वोट डालने नहीं जा रहा।
अच्छा एक बात ये बताइए, मैं उस दिन सैफई में था तो वहाँ राम गोपाल यादव का मैंने इंटरव्यू किया, तो उन्होंने बोला ये राम मंदिर तो बेकार है, ये वास्तु के हिसाब से नहीं बना है। इसों पर गोली चलाने वाले या भाषा बोल सकते हैं, लेकिन भगवान श्री राम के चरणों में आस्था रखने वाले वहाँ लाखों की संख्या में प्रतिदिन दर्शन को जा रहे हैं। ये रामद्रोहियों के मुंह पे करारा तमाचा है। अच्छा, एक और सवाल आपसे पूछना है कि रेवंता रेड्डी जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री, उन्होंने प्रधानमंत्री जी पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि मोदी जी के पास दिखाने के लिए तो कुछ है नहीं, जब भी होता है तो जय श्री राम का मुद्दा ले आते हैं, और जो पुलवामा हुआ था 2019 चुनाव से पहले वो भी एक ऐसे ही एग्जाम्पल है, और बीजेपी ऐसे ही सब जैसे कहते हैं ना माहौल बना के चुनाव जीतती है क्योंकि दिखाने के लिए उनके पास जमीन पे कुछ रहता नहीं, ऐसा रेवंता रेड्डी ने बोला है। 2019 पुलवामा आतंकवादी हमले का जवाब देश के वीर बांकुरे सैनिकों ने पाकिस्तान में घुस करके उनके यहाँ आतंकवादियों को पैदा करने वाली फैक्ट्री को तहस नहस करके पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिरा करके कैप्टन अभिनंदन, इसके प्रमाण है कि पाकिस्तान के अंदर हमारा भी लड़ाकू जहाज गिर गया, लेकिन वो सकुशल वहाँ पाकिस्तान के ही क्षेत्र में गिर गए थे और पाकिस्तानी सैनिकों ने उनको पकड़ लिया था, या 56 इंच के सीने वाला भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही हैं जो पाकिस्तान के शासकों को बता दिए कि अगर 48 घंटे के अंदर मेरा अभिनंदन वापस नहीं आया तो विश्व के मानचित्र पर पाकिस्तान का नाम नहीं रहेगा। ये रेवंता रेड्डी जी क्या जानते हैं मोदी जी के बारे में? तो मनीष शंकर, इस देश के 4 करोड़ से अधिक गरीबों को जब प्रधानमंत्री आवास मिलता है तो उसका सुख वही जान सकता है जो उसका दुख जानता है। चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए लोग ये नहीं जान सकते हैं। ठीक है, मनीष शंकर अय्यर ने एक और बात बोल दी कि भाई भारत को पाकिस्तान से डरना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है। अब ऐसा बयान चुनाव के वक्त मनीष शंकर अय्यर दे रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, पाकिस्तान को कांग्रेस पसंद है और कांग्रेस को पाकिस्तान पसंद है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को भारत माँ के चरणों में अपने आप को समर्पित करना पसंद है, भारतवासियों की सेवा करना पसंद है। पाकिस्तान की गंदी हरकत माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत कभी स्वीकार नहीं किया। ईंट का जवाब पत्थर से, गोली का जवाब गोला से देने का काम भारत के सैनिक कर रहे हैं, और पाकिस्तान में ही नहीं चीन की तरफ भी। आप गालवान घाटी पर हमारे देश के वीर सैनिकों ने चीन के सैनिकों को पटक पटक करके मारा है, वो मैंने भी देखा है, आपने भी देखा है, देश ने भी देखा है। ठीक है, दुनिया के किसी देश में भारतवासी फंसे हैं तो तिरंगा हाथ में लेकर भारत माता की जय बोलते हुए सकुशल भारत आए, ये भारत की ताकत है जी, मोदी जी के नेतृत्व की ताकत है। अच्छा ठीक है, भारत की ताकत और मोदी जी के नेतृत्व की ताकत देख रहे हैं आप, बता रहे हैं कि आप लोगों ने विदेश नीति में बड़ा काम किया, बहुत बड़े बड़े काम हुए विदेश नीति में। सैम पित्रोदा है, कांग्रेस पार्टी की विदेश नीति संभालते हैं, तो अक्सर वो अमेरिका में बैठ के कुछ कुछ जिसे कहते हैं बयान दे देते। एक दिन उन्होंने बोला वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा कि जिनके पास पैसा होगा उन पे हम टैक्स लगा देंगे फिर बांटेंगे, ऐसा उन्होंने टिप्पणी की। फिर उसके बाद दूसरा उनका हाल ही में बयान आया जिसमें उन्होंने भारत के विभिन्न राज्यों के लोगों को उनके रंग से और उनके हिंदुस्तान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए संविधान से चलेगा, अमेरिका के कानून से नहीं चलेगा। नस्ल भेदी और नफरत भरी जो कांग्रेस की आदतें रही हैं जिसके कारण जिस भारत को विकसित भारत होना चाहिए वो विकासशील बना है, जिसको विकासशील होना चाहिए वो चीन विकसित चीन बना हुआ है। ये कांग्रेस के पाप की सजा यह देश भोग रहा है। जिस देश को भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए वह भ्रष्टाचार जड़ तक पहुँचाने का काम कांग्रेस ने किया है। संसद में खड़े होकर के कहते हैं कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुँचता है। मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी संसद में खड़े होकर कहते हैं हम 34 लाख करोड़ भेजते हैं तो पूरा 34 लाख करोड़ पहुंचता है। ये घोटालेबाजी का, भ्रष्टाचार का, आतंकवाद का समर्थन करने का, नस्ल भेद करने का, विरासत पर कर लगाने का, पाकिस्तान के पास एटम बम है तो हमारे पास पड़ाका है क्या? ठीक बात। अच्छा केशव मौर्य जी, जब प्रधानमंत्री मोदी का मान लीजिए प्रधानमंत्री बनते हैं और एक बार फिर से आते हैं सत्ता में, तो 3.0 का क्या विजन है, ऐसा क्या जो पिच है वो आप लोग लेके लोगों के बीच में जा रहे हैं? अगर केशव मौर्य अपनी चुनावी रैली में जब संबोधित आपकी, हालांकि मैंने एक दो रैलियां कवर की उसमें आप राष्ट्रवाद के मुद्दे पे बहुत प्रखरता से बोलते हैं, आप इस तरह गरीब कल्याण का मुद्दा, देश की एकता अखंडता का मुद्दा, तुष्टिकरण मुक्त भारत और संतुष्टिकरण युक्त भारत का मुद्दा,
महिलाओं को जो ई रिक्शा भी चलावें और हवाई जहाज भी चलावें, यह मुद्दा, मजदूर भी अगर सुरंग में फंसा है तो देश का प्रधानमंत्री उनकी भी चिंता करता है, सफाई करने वाला कर्मचारी अगर कुंभ मेले में सफाई करता है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके चरण धोकर के उनको सम्मान देने का काम करते हैं। अयोध्या में रामलला के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर निर्माण, मतलब यह देश की आकांक्षा थी, 500 साल से देश लड़ रहा था और उसको पूरा करवाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं। तो हमारा मुद्दा सबका साथ सबका विकास का है, सबको सम्मान सबको स्थान देने का है, और जिसका परिणाम आज देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। आज 2047 तक हम विकसित भारत बनेंगे, हम 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, तीसरी अर्थव्यवस्था तीसरे कार्यकाल में बनेंगे, ये मोदी जी की गारंटी है। जिनको घर प्रधानमंत्री आवास मिल चुका है उनको बधाई है, जिनको नहीं मिला है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश से वादा किया है कि 4 जून को सरकार बनने के बाद 3 करोड़ और गरीबों को प्रधानमंत्री आवास देने का काम करें। ठीक है, ठीक बात। अब एक आखिरी सवाल है मेरा, राहुल गांधी वेल्थ सर्वे की बात करते हैं, वो कह रहे हैं कि हम सर्वे करेंगे और उसके बाद पार्टिसिपेशन देखेंगे कि किस जाति का कितना पार्टिसिपेशन है और जिसकी आबादी ज़्यादा उसका पार्टिसिपेशन ज़्यादा, ऐसे करके वो अपनी चुनावी रैलियों में बोल रहे हैं। अखिलेश यादव भी पीडीए का नारा लेके, पीडीए का रथ लेके चले हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो कि उनका नारा है। तो क्या केशव मौर्य देख रहे हैं कि विपक्षी पार्टियाँ जो कि इस वक्त बैकफुट पे हैं वो फ्रंट फुट पे आने के लिए एक बार फिर जाति कार्ड या जो कहते हैं मंडल पॉलिटिक्स पे लौट रहे हैं? क्या नहीं चल सकता? देखिए, पहला तो जो श्री राहुल गांधी जी कहते हैं हम देश का एक्सरे करेंगे, उनका एक्सरे केवल मुस्लिम तुष्टीकरण करने का पूरा हिसाब किताब लगाना है, जो संपत्ति का सर्वे करना अर्थात इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का, यह बयान कांग्रेस के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने दिया था। ठीक है, तो इस देश में हिंदुओं के पास जो संपत्ति है उससे छीन करके सैम पित्रोदा जी के बयान के अनुसार आधा उसके मरने के बाद सरकारी खजाने में जाएगा, सरकारी खजाने से मुसलमानों के पास जाएगा, उससे कांग्रेस का वोट बैंक तैयार होगा और घुसपैठिए भारत में आ जाए इसका रास्ता खोला जाएगा। 370 माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया, उसको वापस लाया जाएगा। राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर जो बनाया गया है उसकी जगह बाबर के नाम की फिर इमारत खड़ी की जाएगी। ये तमाम जो इनके मन में बैठे हैं जहर जो भरा हुआ है, उस जहर को बाहर नहीं निकलने देगी देश की जनता। वो एक सरे की बात कर रहे हैं, जनता उनका MRI कर चुकी है, उनको ये पता ही नहीं है। ये अखिलेश यादव जी का PDA वो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नहीं है, उनका PDA कुछ का साथ गुंडों अपराधियों माफियाओं का विकास है, उनका PDA कुछ का साथ केवल परिवार का विकास है। केशव जी, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि ये जो आप पोयम लिखते, कविता के तौर में जो आप बयान देते हैं, जो आप राइमिंग बना लेते तुरंत, ये कैसे बनाते हैं? कुछ भी, जब भी मैं आपके बयान के इंटरव्यू के लिए आता हूँ तो आप कुछ ना कुछ नई कविता या नई राइमिंग बनाते हैं, कैसे आप टाइम निकालते हैं इसके लिए? मैं टाइम, देखिए हम जब दिन रात देश के लिए पार्टी के लिए चिंता करेंगे काम करेंगे तो जो भी करेगा, आप भी करोगे तो आपको भी ध्यान में आएगा। आप एक वरिष्ठ पत्रकार के नाते हमसे जो सवाल कर रहे हो, सवाल कहाँ से निकाल लेते हो, तो इस पर आप वर्क करते हो इसलिए निकाल पाते हो। मैं इसीलिए सबसे अपील करता हूँ कि CNN के माध्यम से कि घर घर में खुशहाली पहुँचे, बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब मोदी कर देंगे, तुम कमल का बटन दबा देना। क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए केशव जी, बहुत बहुत शुक्रिया।